हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो गाइज, अगर आपने भी विप्रो में सर्वे मेल आपको भी रिसीव्ड हो चुका है और आप भी अनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, तो उस दौरान गाइज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपनी प्री अनबोर्डिंग और अनबोर्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो चुके हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था विप्रो ने कभी भी प्री अनबोर्डिंग बहुत किया ही नहीं है, और अब जो सर्वे मेल आया है उसमें प्री अनबोर्डिंग की बात कही जा रही है। तो उसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा कि प्री अनबोर्डिंग और अनबोर्डिंग में क्या डिफरेंस होता है और किस लिए ये विप्रो ने लेकर आया हुआ है। और मैं इसको हर चीज़ एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहना ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से पता चल सके। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप सबको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक विप्रो से रिलेटेड अनबोर्डिंग का वीडियो लेकर आया था, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि विप्रो जब भी ज्वाइनिंग दे रही है उससे पहले, अपनी अनबोर्डिंग से पहले एक ट्रेनिंग ले रही है, उसमें ट्रेनिंग करा रही है। अगर आप एग्ज़ाम में पास हो रहे हैं और अच्छे से आपकी ट्रेनिंग का रिजल्ट निकल रहा है तो आपको रख रहे हैं, वरना वो वहीं से टर्मिनेट कर दे रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा। तो मैं आपको इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि प्री अनबोर्डिंग और अनबोर्डिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस, जो मैंने आपको अभी बताया कि हमने वीडियो में बताया था, तो देखिए, प्री अनबोर्डिंग में ये होगा कि आपको ज्वाइनिंग से पहले कुछ चीज़ें होंगी जो कि करनी होगी, जैसे कि आपको ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग देना होगा, उसमें आपको उनका जो एग्ज़ाम होगा उसको क्लियर करना होगा। क्योंकि ये गाइस पहले ऐसा नहीं होता था, प्री अनबोर्डिंग का कोई भी रूल्स नहीं था, जबकि इस बार से ये ट्रेंड लेकर आए हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट कर रखे हैं कि वो अभी तक, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट कर रखा है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह बच्चों को टर्मिनेट करके निकाल दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने अपनी प्री अनबोर्डिंग करा रही है, जिसमें वो ट्रेनिंग वगैरह लेगी, हर चीज़ लेगी, अगर पास होंगे तो रखेगी, वरना वो टर्मिनेट कर देगी। तो प्री अनबोर्डिंग में यही होगा कि आपका अनबोर्डिंग का मेल आने से पहले ये सारे चीज़ें आपके साथ होंगे और ये सब आपको करना होगा। उसके बाद अगर फाइनली जब पास हो जाएंगे तो आपको एक फिर से ना अनबोर्डिंग का एक मेल आएगा, जिसमें वो बताएंगे कि आपको ज्वाइनिंग इस डेट को है, आपको इस दिन ज्वाइन होना है। तो गाइज, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपके ऑफर लेटर मिलने के और अनबोर्डिंग से पहले जो चीज़ें होंगी आपके साथ, उसको प्री अनबोर्डिंग कहते हैं। अगर आप को ऑफर लेटर आ चुका, ज्वाइनिंग लेटर मिल गई, अनबोर्डिंग हो गया, उसके बाद जो चीज़ें आपके साथ कंपनी करेगी, आपको अनबोर्डिंग करने के बाद ज्वाइनिंग दे देगी, वो होता है आपका अनबोर्डिंग। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। तो गाइज, आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाएं, जिस भी, मतलब जिस प्रोफाइल के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं, इलाइट फेज़ वन, फेज़ टू या टर्बो, जैसे जो भी उनकी प्रोफाइल है उसमें आपने सिलेक्ट हुआ, तो आपको क्या क्या अगर ट्रेनिंग कराने वाले हैं तो आप लोग पहले से ही अटेंशन में हो जाएं और आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई दिक्कत ना हो। और मैंने आप लोग की चीज़ बताया था कि उनकी ट्रेनिंग जो जल्दी हर वीक में वो एग्ज़ाम लेंगे, जो भी चीज़ पढ़ाई जाएंगी उसको हर वीक वो एग्ज़ाम लेंगे, और ये अपनी कोई सेंटर वगैरह देते हैं वहीं पर आपको जाकर वहाँ ट्रेनिंग करनी होगी। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें आपको पहले भी बता चुका है। तो गाइज, यही होता है प्री अनबोर्डिंग और अनबोर्डिंग, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ बताया कि ये चीज़ें होती हैं। तो गाइज, अगर इस तरह के जो भी चीज़ें हैं तो आपको पहले से ही सतर्क हो जाना है। और जो भी लोग हैं, जिन जो भी, मतलब सही है कि विप्रो ने कम से कम स्टार्टिंग तो किया, लेकिन आप लोग को आगे क्या क्या करना है वो चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी इश्यू हो आपके साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि आपको रिप्लाई वहाँ दे सकूँ। अगर बहुत सारे सबके साथ तो बात करना मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो उसमें ज़रूर मैं आपके साथ ये सब जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। चलिए गाइज, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।